जिसमें गुजरात के 4 और यूपी के 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। लिहाजा दूसरी लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस ने यूपी में 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें नगीना से ओमवती देवी जाटव, मुरादाबाद से राज बब्बर, खीरी से जफर अली नकवी, सीतापुर से कैसर जहां को टिकट दिया गया, जबकि मिश्रिख से मंजरी राही, मोहनलालगंज से रामशंकर भार्गव, सुल्तानपुर से डॉक्टर संजय सिंह और प्रतापगढ़ से रत्ना सिंह पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। साथ ही कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल, फतेहपुर से राकेश सचान, बहराइच से सावित्री फूले, संत कबीर नगर से परवेज खान, बासगांव से कुश सौरभ और कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है, जबकि लालगंज से पंकज मोहन सोनकर, मिर्जापुर से ललित तेजपति त्रिपाठी, रॉबर्ट्सगंज से भगवती प्रसाद चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। उधर महाराष्ट्र से जिन 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, कांग्रेस ने उनमें बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नाना पटोले को नागपुर से टिकट दिया है, जबकि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से प्रिया दत्त, मुंबई साउथ से मिलिंद मुरली देवड़ा, सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे और गढ़चिरौली चिमूर से डॉक्टर नामदेव दल्लू जी उनसेंटी को टिकट दिया गया।